गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह, आपका UPPCS और UPPSC मेंस के GS पेपर 1 में आप लोग का स्वागत करती है। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा कि मंदिर की जो शैलियाँ द्रविड़, नागर, बेसर, ये सब शैलियाँ हमने कंप्लीट की थी लास्ट क्लासेस में। जिन लोगों ने नहीं देखी है ये सारी चीज़ें, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके GS पेपर 1 लिखा हुआ है वहाँ पे जनरल स्टडीज़ का, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला। तो ये पूरा प्रॉपर टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे कि सल्तनत काल में कौन कौन से वंश थे और उनके वंश के दौरान कौन कौन सी कला का प्रारूप यहाँ पर होता था, चलता था। इसके अलावा मेंस पेपर 2, 3, 4 की भी सीरीज़ जल्द ही साथ में चलने वाली है साइमल्टेनियस, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी टाइम है आप लोगों के पास। अभी मेंस की तैयारी प्रॉपर कर लें, प्री की तैयारी जब डेट आएगी अच्छे से तब उसके बाद हम लोग करेंगे। वैसे कैलेंडर आ चुका है बट डेट पढ़ने की संभावना अभी भी दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जो वास्तुकला देखी गई है उसमें दो शैलियाँ मेनली देखी गई हैं, एक साम्राज्यवादी शैली और एक देखी गई है प्रांतीय शैली। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे साम्राज्यवादी शैली की, नेक्स्ट क्लास में हम प्रांतीय शैली की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी सीरीज़ है। तो साम्राज्यवादी शैली में काफ़ी सारे वंश थे दिल्ली सल्तनत में, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत का काल था वो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था, उसके बाद मुगल काल यहाँ पर आ गया था। तो इनमें दो श्रेणियाँ देखी गई हैं, जो कि एक साम्राज्य के दौरान चलाई गई थी, जो एक राजा ने बनवाई थी शैलियाँ, राजा ने जितनी इमारतें बनवाई थी, और दूसरा जो एक नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल पे प्रांत के रूप में वहाँ शैली चलती थी। तो चलिए देखते हैं, स्थानीय शासकों द्वारा जो संरक्षित थी और सरदारों द्वारा संरक्षित थी उसे कहा जाएगा प्रांतीय शैली। तो साम्राज्यवादी शैली का जो विस्तार था वो हम देख लेते हैं। तो ये था 1191 से लेकर 1557 तक साम्राज्यवादी शैली यहाँ चली थी। यहाँ विभिन्न विभिन्न जो राजवंश आए थे उनके अधीन वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का साम्राज्य बैठा था। प्रत्येक शासक जो थे अपने स्वयं की कुछ रूप जो रुचियाँ होती थी, यहाँ पे रुचियाँ आएगा, कुछ रुचियाँ आरोपित करते थे, बट बनावट और शैली मोटे तौर पर एक ही जैसी सबकी ऑलमोस्ट होती थी। और इनकी जो PPTs हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंच या फिर सक्सेस मंच पेज पे आपको मिल जाएंगी, जो फेसबुक पेज है, तो दोनों को ज्वाइन करना आप लोग ना भूलें। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये सब जो भी PDF है वहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इसके दौरान देख लेते हैं। इस दौरान जो था अधिकांश निर्माण जो है वो हिंदू संरचनाओं के पुनर्प्रतिरूपण के रूप में हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदू संरचनाएं जो पहले बनी हुई थी उसी का देखा देखी आगे भी कॉपी किया गया इन शैलियों के द्वारा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः जो हम देखेंगे चार वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश, इन चारों वंश के दौरान कौन कौन से वास्तुकला के प्रारूप आए, किस हिसाब से इमारतें बनाई गई, कैसे कैसे उस इमारतों में चेंजेस आए, किसने कौन सी इमारतें बनाई, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात यहाँ करेंगे आप लोगों के साथ गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश जो था वो ऑलमोस्ट ये इल्बरी राजवंश भी से कहा जाता है, और इसका जो शासन काल था वो था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन काल यहाँ पर माना जाता है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। फिर यहाँ पे जो शैली होती थी गुलाम वंश के उसे कहा जाता था मामूलक शैली। तो ये आप जो मेन मेन पॉइंट्स विशेषताएं मैं बता रही हूँ उनकी संरचनाओं की, मैं गुलाम वंश के बारे में तो आप नॉर्मली इतिहास में पढ़ चुके हैं, बट गुलाम वंश की वास्तुकला कैसी थी इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और इस अवधि के दौरान जो था, अभी हमने बात की कि तात्कालिक हिंदू जो संरचनाएं थी उनका प्रतिरूपण किया गया, उसी को ही दोबारा अच्छे से प्रतिष्ठित किया गया। इस गुलाम वंश में कई मुख्य स्मारकों का निर्माण किया गया, जिसमें कि
कुतुब मीनार जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं एक प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है। कुतुब मीनार का जो नींव रखी थी वो सबसे पहले रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ये आप लोग जानते हैं। बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसके भूतल का निर्माण करवाया था, निचली जो मंजिल है उसका निर्माण करवाया था। इसकी जो 5 मंजिल की संरचना का जो आरंभ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बट जो आगे की 3 मंजिल है उसका निर्माण करवाया गया था आगे जो केवल उसका मंजिल जो इल्तुमिश के द्वारा करवाया गया था। और इसमें नाम नहीं डला, इसको मैं एडिट करके आप लोगों को बता दूंगी। आगे की 3 मंजिल इल्तुमिश के द्वारा बनवाई गई थी और 5वीं मंजिल जो आगे की 2 और मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी गुलाम वंश के अंतर्गत। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हम गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में आप लोग 2-3 उदाहरण डाल सकते हो, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। और नेक्स्ट हम जैन मंदिर से परिवर्तित एक कुवत-उस-सलाम मस्जिद है, इसके बारे में भी आप एग्जांपल में यहाँ लिख सकते हो। तो ये है गुलाम वंश के मेन जो इन्होंने वास्तुकला की स्थापना यहाँ पर की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम खिलजी वंश की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खिलजी वंश भी ऑलमोस्ट गुलाम वंश से ही प्रेरित था। और खिलजी वंश की जो शासनकाल हम मानेंगे वो 1290 से 1320 ईस्वी तक था, बहुत लंबा काल नहीं था, सिर्फ 30 वर्ष का यहाँ काल देखेंगे। तो इस छोटे से काल में इन्होंने बहुत छोटी सी वास्तुकला की स्थापना की है। तो इसमें जो है वास्तुकला की सेल्जुक शैली की स्थापना खिलजी वंश में की गई है। और इस अवधि के जो निर्माण की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो यहाँ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और मेहराबदार जो शैली है इस अवधि की प्रमुख विशेषता थी, मेहराबदार शैली। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला इस वंश को पनपने में, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा वास्तुकला का विकास नहीं हुआ। सभी निर्माण कार्य जो थे वो जोड़ने वाली सामग्री के रूप में गारे की प्रमुखता का यहाँ पर उपयोग भी किया गया था। उदाहरण की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा मेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ सीरी का किला इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सीरी का किला भी खिलजी वंश के द्वारा ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश जो था इसके दौरान इसे हम कह सकते हैं वास्तुकला के लिए संकट का काल, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वास्तुकला का उपयोग नहीं किया गया था। फिर भी कुछ निर्माण कार्य जरूर किए गए थे जिसमें धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। याद रखेंगे कि तुगलक वंश में धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। और इस अवधि के दौरान भवन की मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया था, अलंकरण पे कम ध्यान दिया गया, मतलब कि साजो सजावट पे जो नक्काशी पे उस पे कम ध्यान देकर ये देखा जाता था कि भवन कितनी मजबूत बनाए गए हैं। और प्रवेश द्वार में के डिज़ाइन में मेहराब और सरदल दोनों विधियों का ही संयोजन किया जाता था। 2 अलग अलग विधियाँ जिसके बारे में हम लास्ट क्लासेस में बात कर चुके हैं, तो उन दोनों विधियों का एक प्रवेश द्वार में यहाँ यूज़ किया जाता था। और तुगलकों ने जो थे बट्टार के रूप में ज्ञात एक निर्माण शैली का भी प्रचलन किया था। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन अच्छा हो जाता है कि बट्टार शैली किसने प्रचलित की थी, तो ये की थी तुगलक वंश ने, जिसकी विशेषता थी कि भवनों को अधिक जो मजबूत दिखाने के लिए दीवारें जो बनाई जाती थी वो ढलवा के रूप में, मतलब कि इस टाइप में तिरछी दीवारें टाइप में बनाई जाती थी। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक तुगलकाबाद का किला है, और झापना और फिरोजाबाद के नगर हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं तुगलक वंश के वास्तुकला की श्रेणी के अंतर्गत। इसमें जो है वास्तुकला में आगे हम बात करें तो लोदी वंश की। तो लोदी वंश में हालांकि वास्तुकला की बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं देखी गई है लोदी वंश में, इसमें पश्चिगामी प्रवृत्ति ही जा रही है। पश्चिगामी का मतलब जो पीछे से चली आ रही हैं, जो गुलाम वंश तुगलक वंश के राज में जो चली आई प्रवृत्तियाँ वास्तुकला की, वही लोदी वंश में भी देखी गई। यहाँ मुख्यतः इमारतों का निर्माण तो नहीं किया गया, बट इस अवधि के दौरान केवल मकबरों का निर्माण प्रचलित रहा। हालांकि इस अवधि में वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी दोहरे गुंबद का प्रचलन। दोहरे गुंबद मतलब एक के ऊपर एक गुंबद, एक के अंदर एक गुंबद, इसका प्रचलन मेन था यहाँ पर। और इसकी जो मेन वही विशेषता थी जो कि तुगलक वंश की विशेषता थी, संरचना को मजबूती देना, अलंकरण को कम यहाँ पर ध्यान दिया जाता था। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे पुराना टाइम था वहाँ अलंकरण ज़्यादा देखा जाता था, और आगे आने वाले टाइम में संरचना को मजबूती, कितनी मजबूत हमारी संरचना बनती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था।
नेक्स्ट हम गुम्बद की जो भीतरी ऊंचाई है उसको यहाँ पर कम रखा जाता था, और संरचना को मजबूती देने का मतलब और दोहरे गुम्बद का मतलब होता था कि एक गुम्बद के शीर्ष गुम्बद जो होता था उसके अंदर एक खोखले गुम्बद का निर्माण करना यहाँ पर होता था। और मकबरे जो होते थे वो कठोर होते थे, सादे होते थे। और मकबरे कठोर और सादे होने का मतलब क्या होता था, दोहरे गुंबद का मतलब इसका कारण ये होता था कि संरचना मजबूत बने और गुंबद की भीतरी ऊंचाई यहाँ पर कम हो जाए। नेक्स्ट, इस चरण के दौरान किसी भी मकबरे में भव्य अलंकरण नहीं किए गए थे, जैसे कि अभी हमने बात की बहुत ही मजबूती प्रदान यहाँ पर की गई थी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि लोधी गार्डन है, यहाँ पर सिकंदर लोधी द्वारा बनाया गया आगरा नगर है, ये मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ की स्थापत्य कला। दोहरी गुंबद के बारे में आप ये देख सकते हैं, ये एक गुंबद बनाई गई है, इसके ये खोखली है ये वाली गुंबद, और इसके ऊपर से ये गुंबद यहाँ पर ठोस ये बनाई गई है, तो ये इसे कहेंगे दोहरी गुंबद, जिसकी स्थापना लोधी वंश के दौरान की गई थी। तो यहाँ हमारा सल्तनत काल का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो ये मेन मेन विशेषताएं थी, इसको ही इन पॉइंट्स को ही आप एलोबरेट करके पूरा अच्छे से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे अपने। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सल्तनत काल की जो प्रांतीय शैली है उसमें क्या क्या कौन कौन सी शैलियाँ थी, और साथ में ही अगर हो सकेगा तो मैं मुगल काल भी साथ में ही उसमें करवा दूंगी, ताकि कोर्स जल्द से जल्द हमारा कंप्लीट हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।